हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास, बहुत ही अनोखी रेसिपी लेकर आ गई हूँ और ये रेसिपी आपके ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। तो सबसे पहले मैंने मैदा, कलौंजी, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर बढ़िया सा डो तैयार कर लिया। और आज की जो रेसिपी है ना, तो दो रेसिपी का मज़ा एक के साथ ही है। अब मैंने लगभग 4 से 5 आलूओं को उबाल कर अच्छे से क्रश कर लिया है। एक छोटी कटोरी मटर के दानों को उबाल कर अच्छे से क्रश कर लिया है। थोड़ा सा पनीर को मैंने ग्रेट करके इसी के ऊपर डाल लिया है। लगभग 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच जीरा, आप चाहे तो जीरे को भून कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, सभी को डालकर अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल लेनी है। डो जो तैयार किया था उन्हें थोड़ा सा काट लेना है 4 पार्ट्स में और एक गोल डो तैयार कर लेना है। तो अब इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। मैदा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक को डालकर, पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर लेनी है हमें। जो डो तैयार किया था उसे हमें बेल लेना है पतला करके, और आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरीके से अपना डो को बेल लिया है। इसकी देखिए कितनी थिकनेस इसकी कैसी है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो मैंने अपनी स्टफिंग तैयार की थी उसे भर लिया है, अच्छे से फैला दिया है, और कुछ इस तरीके से इन्हें कर लेना है रोल, अच्छे से बढ़िया करके रोल करना है। और उसके बाद उसे थोड़ा सा हमें आगे पीछे करके और रोल करना है, और इसे कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से इन्हें चपटा कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरी कटिंग हो चुकी है और इन्हें अच्छे से चपटा करके अलग रखते जाना। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि मैंने बढ़िया करके अपनी समोसा कचौड़ी को जो शेप देना था दे दिया है, और जो स्लरी तैयार करी थी अब उसमें डिप करके इन्हें फ्राई करना है। अच्छे से हमें कोटिंग करने के लिए हमें फोक का इस्तेमाल करना है ताकि जो एक्स्ट्रा कोटिंग ना आए हमारी कचौड़ी के साथ, और उसे हमें गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेना है। एक के बाद एक डाल के हल्के हाथ से डालना है तेल में और इसे बढ़िया करके गोल्डन फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है ताकि जो हमारी समोसा कचौड़ी है वो जले नहीं। तो आप देख सकते हैं इनका कलर देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है, और खाने भी ये बहुत ही क्रिस्पी होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। मैंने अपनी एक दूसरी स्टफिंग के लिए उसके साथ थोड़ी सी टोमेटो केचप और चटनी का इस्तेमाल किया है। इन्हें भी भरकर मैंने इसी तरीके से चपटा करके फ्राई कर लिया है। इसका भी स्वाद है, बहुत ही मज़ेदार होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों तरीके से, एक में टोमेटो केचप चटनी का और एक में सादी जो मैंने अभी स्टफिंग तैयार की है उसके साथ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही क्रिस्पी है। आप इसका इस्तेमाल नाश्ते के लिए, स्नैक्स के लिए, लंच में, डिनर में कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, आप देख सकते हैं इनकी लेयर्स कितनी मज़ेदार लग रही है ना देखने में, उतनी ही क्रिस्पी भी थी खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। मेरे नए व्यूअर्स से एक छोटी सी गुजारिश की, अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की अपडेट आप सभी को मिल सके। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों।